हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। आज फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट। देखिए फर्स्ट यूनिट का बच्चों ये लास्ट लेक्चर है आज आपका। इस लेक्चर के बाद आपकी फर्स्ट यूनिट कम्प्लीट हो जाएगी और इस लेक्चर के बाद आपको जो लेक्चर मिलने स्टार्ट होंगे बच्चों वो आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल। आपकी जो यूनिट टू में चैप्टर है वो आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो पहले आपको आईसी इंजन के लेक्चर मिलेंगे, फिर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के लेक्चर। क्लियर है? तो आज का लास्ट लेक्चर है, आज के बाद आपकी यूनिट वन एंड हो जाएगी। चलते हैं बच्चों, देखिए आज की वीडियो में जो है न्यूमेरिकल कराएंगे स्ट्रेस से रिलेटेड, स्ट्रेन के रिलेटेड और इलास्टिक कॉन्स्टेंट से रिलेटेड। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं बच्चों। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल को देखिए पहले समझना है कि इसने क्या दिया है, गिवन क्या है, डाटा क्या गिवन है और इससे फाइंड आउट क्या करना है ये देखना है। बस इन दो बातों को समझना है कि फाइंड आउट क्या करना है, गिवन क्या है। जैसे ही आपको जो फाइंड आउट करना होगा उसे फाइंड आउट करने के लिए किस किस एलिमेंट की आवश्यकता है वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि पहले क्वेश्चन देखते हैं, मैं देखो समझाता हूँ आपको, थोड़ा ईजी वे में लेके चलेंगे ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों हमारा, ए स्टील बार 1.5 मीटर लॉन्ग 50 mm वाइड एंड 20 mm थिक। देखिए एक स्टील की बार है, एक स्टील की छड़ है जिसकी लेंथ कितनी है 1.5 मीटर लॉन्ग, जो उसकी लेंथ है 1.5 मीटर है, उसकी जो वाइड है जो चौड़ाई है वो 50 mm है और थिकनेस उसकी 20 mm, ठीक है नहीं? तो सबसे पहले स्टूडेंट हम एक क्या बना लेते हैं, बार बना लेते हैं, आगे बाद में पढ़ेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ते रहें और उसे वहीं की वहीं जो दिया है डाटा वो लिखते रहें। अब आप यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, एक देखिए यहां पर हम बार बना रहे हैं, स्टील की जो बार है आपकी, ये एक स्टील की बार आ गई बच्चों आपके, ठीक है नहीं? जिसकी जो डायमेंशन है आप डायमेंशन देखते हैं, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है 1.5 मीटर। तो लेंथ देखिए बच्चों यहीं पर साथ के साथ लिखते चलेंगे, ये आ गई बच्चों आपकी यहां से यहां तक 1.5 मीटर, ठीक है? जिसकी विड्थ है, विड्थ का मतलब ये जो है इसकी, ये जो विड्थ है यहां से यहां तक की जो डायमेंशन है ये है आपकी स्टूडेंट 50 mm और जिसकी थिकनेस है जो आप ये देख रहे होंगे थिकनेस यहां पर ये दी गई है 20 mm। ये आपका यहां पर पूरा का पूरा जो हमारा बार है उसकी डायमेंशन आ गई। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया। अब कहा है इसने, देखिए इट्स सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 120 किलो न्यूटन और इस पर क्या लगा है 120 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड लगा है, ठीक है नहीं? अब जो 120 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड लगा है बच्चों, अब उस टेंसाइल लोड को देखिए यहां पर ड्रा करते हैं। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है आपका यहां और यहां इस तरह, टेंसाइल लोड बाहर की ओर लगता है आपको पता होगा, तो ये आ गया आपका यहां पर जो लोड लगा है 120 किलो न्यूटन, ये लोड आ गया बच्चों, ठीक है? अब इसके बाद देखिए क्या कहा इसने, इफ द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द बार इज 0.9 mm, यानी ये जो लोड लगा है इतना लोड लगने से जो आपकी लेंथ है 1.5 मीटर इसमें कितना एक्सटेंशन हो रहा है, इसमें एक्सटेंशन हो रहा है बच्चों 0.9 mm, यानी किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है डेल एल की, जो लेंथ में चेंज हो रहा है। तो मैं देखिए यहां पर लिखूंगा डेल एल इज इक्वल टू 0.9 mm, ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना? आगे देखिए मेक कैलकुलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, यानी एक तो आपको स्ट्रेस निकालनी है, स्ट्रेन निकालनी है और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करना। आपको स्ट्रेस सिग्मा, स्ट्रेन एप्सिलॉन और इलास्टिक कांस्टेंट कैपिटल ई निकालना। अब देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस की जहां हम बात करेंगे आपके माइंड में एकदम से आएगा कि स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर फोर्स और एरिया मेरे पास हो तो मैं आराम से स्ट्रेस निकाल सकता हूं। अब देखिए फोर्स तो आपके पास है, फोर्स कितना है, फोर्स है बच्चों आपका P इज इक्वल टू 120 किलो न्यूटन, यानी 120 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन। देखिए डाइम यूनिट की अगर मैं बात करूं, हम जो स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे इसमें फोर्स को न्यूटन में लेंगे, ठीक है ना? इलास्टिक कॉन्स्टेंट होगा वहां भी न्यूटन लेंगे और जो लेंथ होगी वो लेंथ मीटर में ना लेके वो हम एमएम में लेंगे,
ये ध्यान रखें आप, ठीक है नहीं। न्यूटन और एमएम, इन दो यूनिट का यूज करेंगे, क्लियर है नहीं। तो यहां पर देखिए मैंने फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। अब बात करते हैं बच्चों एरिया की। आप देख रहे होंगे कि एरिया क्या होगा, एरिया कौन सा लेंगे, जहां आपका फोर्स लगा है, जिस क्रॉस सेक्शन एरिया में आपका जो फोर्स लगा है वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में लगा हुआ है, ठीक है नहीं। तो ये जो क्रॉस सेक्शन आपको दिया गया है इसका एरिया कितना होगा बच्चों, इसका एरिया होगा 50 mm इंटू 20 mm। भाई ये इसका 50 mm लेंथ होगी, ये 20 mm है, इसका एरिया आएगा 50 × 20 mm स्क्वायर। तो एरिया आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 50 × 20 इज इक्वल टू 1000 mm स्क्वायर। ये आपका यहां पर बच्चों एरिया निकल गया। अब हमें स्ट्रेस निकालनी है, स्ट्रेस का फॉर्मूला में आप जानते हैं, स्ट्रेस होती है बच्चों, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है नहीं। और स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, और फोर्स की वैल्यू रखेंगे 120 × 10³, और एरिया हम रखेंगे 1000। कैलकुलेट करेंगे, देखिए 1000 से 10³ कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपकी जो स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो आएगी 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपकी स्ट्रेस बच्चों निकलकर आ गई। अब आपको निकालनी है स्ट्रेन, क्या निकालनी है, स्ट्रेन निकालनी है। स्ट्रेन आप जानते हैं स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है नहीं। और दोनों आर्गुमेंट आपके दिए गए हैं, गिवन है। देखिए यहां पर चेंज इन लेंथ है आपका 0.9 mm, और लेंथ कितनी है, लेंथ देखिए स्टूडेंट जो 1.5 मीटर है, हम लिखेंगे देखिए ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ आपकी कितनी है स्टूडेंट्स, ओरिजिनल लेंथ है आपकी L इज इक्वल टू 1.5 मीटर, यानी 1500 mm। ये आ गई आपकी, क्या आ गई बच्चों, ये आ गई आपकी लेंथ। अब स्ट्रेन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्ट्रेन आएगी आपकी एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल एल ओवर एल, इसे डेल एल कर लेते हैं, कैपिटल एल कर लेते हैं। तो डेल एल कितना है आपका, डेल एल है आपका 0.9 और एल है आपका 1500। यहां से देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.9 ओवर 1500 ये आ जाएगा आपका 0.0006। और आप जानते हैं स्ट्रेस की कोई भी यूनिट नहीं होती है, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, स्ट्रेन हमारा यूनिटलेस होता है, ठीक। अब इसके बाद जो हमें थर्ड एलिमेंट निकालना है वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन, यानी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ठीक है बच्चों। तो यहां से आपका आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपका क्या आएगा, सिग्मा की वैल्यू आपको ये दी गई है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एप्सिलॉन है 0.0006, ठीक है नहीं। यहां से कैलकुलेट करते हैं, देखो बच्चों कैलकुलेट करने से आपका आएगा 120 / 0.0006, ये आ गया आपका 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए जो स्ट्रेस की यूनिट होती है वही आपकी किसकी यूनिट होती है, इलास्टिक कॉन्स्टेंट की यूनिट होती है। तो देखिए कितना सिंपल न्यूमेरिकल था, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको डाटा देखना है क्या डाटा दिया गया है, फिर देखना है क्या फाइंड आउट करना है, बस इतना काम करना है, यूनिट को चेंज करना है, या तो न्यूटन या mm, बस दो ही यूनिट का यूज करेंगे, तीसरी यूनिट का यूज हम नहीं करेंगे। अब चलते हैं देखो बच्चों सेकेंड न्यूमेरिकल देखिए क्या है आपका। इसने कहा ए होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर इज मेड ऑफ कास्ट आयरन एंड हैज एन आउटसाइड डायमीटर ऑफ 75 mm एंड इनसाइड डायमीटर 60 mm। एक आपका होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी होलो पाइप है आपका। होलो पाइप कैसा होगा बच्चों, देखिए होलो पाइप आपका जो होगा इस तरह का होगा, देखिए इस तरह का बनेगा आपका होलो पाइप, ये आपका पाइप बन गया। अब इसे होलो बनाने के लिए क्या करेंगे, होलो बनाने के लिए एक इसकी इंटरनल डायमीटर होगी, एक इसकी एक्सटर्नल डायमीटर। अब इंटरनल डायमीटर कितनी है 60 और एक्सटर्नल है आपकी 75। तो देखिए यहां पर डायमीटर देखते हैं, ये आ गया आपका यहां से यहां तक 75 mm,
और यहां से यहां तक जो आपका आया ये आया आपका 60 mm। क्लियर, ये चीज ध्यान रखिएगा। आउटसाइड डायमीटर 75 है, इनसाइड डायमीटर 60 mm। अब आगे देखिए क्या दिया है, एंड इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ 50 kN। एक्सियल का मतलब देखिए, एक्सियल का मतलब होता है कि लेंथ की डायरेक्शन में लोड लगा है, एक्सियल का मतलब ये होता है, ठीक है नहीं। एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगा है 50 kN का, तो दोनों साइड से देखिए यहां पर कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं तो लोड आपका बच्चों इस तरह से आएगा, एक इधर से लगेगा एक इधर से, कंप्रेसिव है तो अंदर की ओर फोर्स लगेगा, ठीक। और फोर्स कितना है आपका, आपका फोर्स है बच्चों 50 kN। ये 50 kN आ गया आपका, ये 50 kN। अब आगे देखिए क्या कहा इसने, नेग्लेक्टिंग एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लेटरल बकलिंग ऑफ द सिलेंडर। लेटरल बकलिंग मतलब इसमें लेटरल स्ट्रेन से रिलेटेड कोई भी हम डाटा नहीं लेंगे, उसे नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है नहीं। डिटरमाइन द नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी है सिग्मा, सिग्मा मैंने निकाला था पी ओवर एस, ठीक। एंड शॉर्टनिंग इन लेंथ द सिलेंडर अंडर दिस लोड, और इस लोड को लगाने से, इस लोड को अप्लाई करने से उसकी लेंथ कितनी कम हो रही है, यानी डेलल की वैल्यू क्या है वो निकालना है, एक सिग्मा निकालना है एक डेलल निकालना है। और उसके बाद इसने क्या कहा, टेक द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कास्ट आयरन इज टू बी 100 GPa। और जो आपको वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है, जी की वैल्यू दी है या ई की वैल्यू, सॉरी ई की वैल्यू जो दी है इलास्टिक कॉन्स्टेंट की, वो दी है 100 GPa। आपको दो चीजें निकालनी है, पहले देखते हैं देखो दिया क्या क्या है। सबसे पहले बच्चों इसमें दिया है आपका पी, पी है आपका 50 kN, यानी 50 × 10³ N, ठीक। आपके जो डायमीटर दिया है कैपिटल डी है आपका 75 mm और स्मॉल डी है आपका 60 mm, ठीक है नहीं। एक्सटर्नल डायमीटर 75 है, इंटरनल डायमीटर 60 mm। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद आपकी जो लेंथ दी गया था, सिलेंडर मेजर 600 mm इन लेंथ, तो सिलेंडर की जो लेंथ है यहां से यहां तक जो लेंथ दी गई है सिलेंडर की वो है 600 mm। क्लियर है, तो एल की जो वैल्यू है आपकी, एल है आपका 600 mm। और क्या दिया है बच्चों, और उसने कहा कि जो आपका E है, जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो है 100 GPa। अब ये 100 GPa देखिए क्या होता है, E इज इक्वल टू 100 GPa, और जीगा को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जीगा को कहते हैं 10⁻⁹। ये ध्यान रखिएगा, जीगा का मतलब होता है जैसे मेगा का होता है 10⁶, जीगा का होता है 10⁹। पिको होता, पिको भी आता है उसमें 10⁻½ हो जाता है, ज्यादातर जो उसमें देके रखेगा वो जीगा ही देके रखेगा। तो और पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मुझे किस में लेना है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लेना है, क्योंकि मैंने बताया था ये तो न्यूटन में लेंगे या एमएम में लेंगे। तो एमएम में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, देखिए 100 × 10⁹ न्यूटन अपॉन मीटर, एक मीटर में कितने एमएम होते हैं, 1000, यानी 10³, और मीटर का स्क्वायर है तो 10³ का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा एमएम स्क्वायर, मीटर को हमने एमएम में बदल दिया। क्या डायरेक्ट मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए E इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 100 × 10³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। देखिए यहां पर आ जाएगा 10⁶, वो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, 9 में से 6 माइनस होंगी तो 3 बचेगा। आप सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, जीगा पास्कल को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 10³ की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है नहीं। फंडा मैंने बता दिया कि कहां से आया है, ठीक। तो ये आ गया आपका। अब आपको निकालना है बच्चों स्ट्रेस निकालनी है, पहले स्ट्रेस के लिए देखिए क्या करेंगे, आपकी जो स्ट्रेस होगी देखिए यहां पर स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू पी ओवर ए, और P की वैल्यू है आपकी 50 × 10³, और बचा A, A मैंने देखिए अभी तक नहीं निकाला। A निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, A निकालने के लिए होलो है, होलो का मतलब जो है आपका जो सर्किल है, जो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये देखिए ये वाला आएगा, ये क्रॉस सेक्शन आएगा, ठीक है नहीं। अब ये जो क्रॉस सेक्शन है आपका बच्चों, इसमें क्या होगा, इसमें आपको सिर्फ इतना जो आपको जो ये आपको जो शेडेड एरिया लग रहा है इसका एरिया लेना है, और जो होलो सर्किल होता है, होलो सर्किल का एरिया होता है, देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं, A इज इक्वल टू
पाई बाई फोर इंटू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस डी, इससे आपका एरिया निकल जाएगा। और एरिया के लिए वैल्यू रख देते हैं, देखिए पाई बाई फोर इंटू 75 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर। और यहाँ से देखिए एरिया की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, एरिया कितना आएगा आपका, ये आएगा देखिए 75 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर इंटू 3.14 डिवाइड बाई 4, यह आ गया आपका 1589.62 mm square, यह आपका एरिया आ गया। अब उस एरिया को आप यहां पर पुट कीजिए, जब एरिया को यहां पर पुट करेंगे देखिए क्या आएगा बच्चों, आप ये आएगा आपका 1589.62। यहाँ से देखिए क्या निकल के आता है आपका, देखिए 50/1589.62, ये आ गया आपका 31.45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये आपका बच्चों यहाँ पर स्ट्रेस निकल के आ गई, एक चीज निकल गई, एक एलिमेंट पूछा था वो निकाल लिया हमने, दूसरा जो एलिमेंट पूछा है वो पूछा है बच्चा लेंथ में कितना एक्सटेंशन, लेंथ आपकी कितनी शॉर्ट हुई, लेंथ में कितना चेंज हुआ। अब लेंथ में चेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ में चेंज निकालने के लिए आपको डेल एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और डेल एल कैसे निकलती है बच्चों, देखिए डेल एल के लिए क्या करते हैं, आपको पता है कि स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन होती है डेल एल ओवर एल। अब आप देखिए आपके पास एल तो है यहां पर, कैपिटल में लिख लेते हैं ऐसे, क्योंकि कैपिटल में माना है हमने, यह आ जाएगा आपका देखिए डेल एल ओवर एल। अब आप यहां पर देखिएगा बच्चों, आपके पास डेल एल भी है, सॉरी डेल एल आपको फाइंड आउट करना है, कैपिटल एल आपको दिया गया है 600 में, लेकिन स्ट्रेन आपके पास नहीं है, स्ट्रेन निकालनी पड़ेगी, जब तक स्ट्रेन निकलेगी तब तक डेल एल नहीं निकलेगी। लेकिन एक स्ट्रेन का फॉर्मूला आप जानते हैं, देखिए आप जानते हैं क्या कि ए इज इक्वल टू होता है सिग्मा ओवर एप्साइलन, ये तो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो यहां से स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ओवर कैपिटल ई। तो यहां पर देखिए बच्चों पुट करेंगे, सिग्मा ओवर कैपिटल ई इज इक्वल टू डेल एल ओवर एल, ये आ गया, ठीक है नहीं। अब सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, सिग्मा की वैल्यू है 31.45, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू आपने ये फाइंड आउट की है 100 × 10³ इज इक्वल टू डेल एल ओवर एल, और एल कितना है आपका, एल है आपका 600, ठीक है नहीं। तो डेल एल की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, डेल एल आ जाएगा आपका 31.45 × 600/100 × 10³। यहां से डेल एल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो डेल एल की वैल्यू आएगी बच्चों देखिए आपकी 31.45 × 600/10⁵, ये आ गया आपका 0.1887 mm। यानी जो आपकी लेंथ शॉर्ट हुई, जो आपकी 600 mm की लेंथ थी, 50 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव लोड लगाने से उसकी लेंथ में जो शॉर्टनिंग हुई है वो कितनी हुई है, वो 0.1887 mm की हुई है। तो ये था बच्चों आपका सेकेंड न्यूमेरिकल, देखिए समझ में आया होगा, ये भी मैंने आराम से इजी वे में समझाने की कोशिश की है। अब चलते हैं देखिए सीधा थर्ड न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल देखिए क्या है, ये आपका इस तरह का न्यूमेरिकल देखिए एग्जाम में आ जाता है, मैं आपको बता, ठीक है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। और इसे मैं करने के लिए मैं देखिए आपको सीधा बता देता हूँ, इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ, क्योंकि ये बॉक्स में ही होगा बच्चों, ये आपका जो न्यूमेरिकल है ये बॉक्स में ही हमें अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो तीन बॉक्स बना लेते हैं बच्चों यहाँ पर, अब चलते हैं बच्चों देखो क्या क्या दिया गया, पहले ये देख लेते हैं क्या क्या दिया गया। इसने कहा देखिए द फॉलोइंग डाटा वाज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट मेड ऑन ए स्टैंडर्ड टेंसाइल टेस्ट। एक आपने स्पेसिमेन दिया और उस स्पेसिमेन पर आपने टेंसाइल टेस्ट लगाया, टेंसाइल टेस्ट का मतलब उस पर हमने दोनों तरफ से टेंसाइल फोर्स लगाया और उसे ब्रेक करने की कोशिश की, ठीक है नहीं। अब इसके बाद देखिए जब टेस्ट हमने किया उसके बाद क्या क्या हुआ ये देखिएगा आप,
क्या क्या हमारा यहां से हुआ है। इसने कहा ओरिजिनल डायमीटर एंड गेज लेंथ 15 mm, ओरिजिनल डायमीटर कितना है 15 mm है और गेज लेंथ है 60 mm, यानी जो कैपिटल डी की वैल्यू है वो दी गई है 15 mm। जब हमने स्पेसिमेन लिया, जब हमने लोड नहीं लगाया, तब उसकी डायमीटर दे दी 15 mm और उसकी लेंथ कितनी दे दी, उसकी लेंथ दे दी हमारी L इज इक्वल टू 60 mm, ये दिया गया। ठीक, उसने कहा मिनिमम डायमीटर एट फ्रैक्चर, जब आपका फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर होने के बाद जिस पॉइंट पर फ्रैक्चर हुआ वहां का डायमीटर कितना हो गया, वहां का डायमीटर हो गया 10 mm, यानी ये किसकी वैल्यू दे दी, ये जो 10 mm वैल्यू दी है ये दी है स्मॉल डी की, स्मॉल डी इज इक्वल टू 10 mm। ठीक, उसके बाद इसने क्या कहा डिस्टेंस बिटवीन गेज पॉइंट एट फ्रैक्चर, डिस्टेंस बिटवीन गेज पॉइंट एट फ्रैक्चर, यानी जब आपका फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर होने के बाद जब मैंने उस स्पेसिमेन की लेंथ मेजर की, पहले 60 mm थी, अब वो बढ़कर 75 mm हो गई, यानी ये वैल्यू किसकी है, यह है एल डैश की वैल्यू, एल डैश इज इक्वल टू 70 mm, यानी फाइनल लेंथ जो है ये ओरिजिनल लेंथ है, यह आपकी फाइनल लेंथ है। ठीक, उसके बाद इसने क्या कहा लोड एट यील्ड पॉइंट एंड फ्रैक्चर इज 40 kN एंड 45 kN, यानी यील्ड पॉइंट पर जो लोड है, देखिए लोड एट यील्ड पॉइंट, लोड एट यील्ड पॉइंट यानी ये आ जाएगा आपका कितना 40 kN और फ्रैक्चर पर कितना है लोड एट फ्रैक्चर पॉइंट, लोड एट फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट पर जो लोड है वो है आपका 45 kN। ठीक है, ये चीज हमें फाइंड आउट, ये हमें डाटा दिया गया, मैक्सिमम लोड दैट स्पेसिमेन कुड टेक 70 kN, जो मैक्सिमम लोड है वो कितना लग रहा है, वो 70 kN का लग रहा है। तो देखो जो डाटा है वो सब लिखते रहे, मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम लोड है आपका बच्चों 70 kN। ठीक, अब इसे देखिए न्यूटन में चेंज कर लेंगे, 40 × 10³ न्यूटन, 45 × 10³ न्यूटन और ये आपका जाएगा 70 × 10³ न्यूटन। ठीक, अब इसने क्या कहा मेक कैलकुलेशन, अब क्या क्या निकालना है भी देखिए, डाटा मैंने सारा लिख दिया जो दिया गया है, अब हमें कैलकुलेशन निकालनी है किसकी, सबसे पहले निकालना है आपको यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ये तीनों चीजें निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए ए पोर्शन हम यहां पर स्टार्ट करेंगे, यील्ड स्ट्रेंथ और क्या निकालना है, देखिए सबसे पहले निकालेंगे यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, फिर निकालेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ, फिर निकालेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। अब यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, यील्ड स्ट्रेंथ होगी आपकी यील्ड पॉइंट पर जितना लोड लगा है अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है नहीं, और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, ब्रेकिंग पॉइंट पर जितना लोड लगा है अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। स्ट्रेंथ का मतलब होता है स्ट्रेस, यील्ड पॉइंट पर कितनी स्ट्रेस लगी हुई है, स्ट्रेस आप जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया होता है, और ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए देखिए मैं यहां पर निकालता हूं ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज इक्वल टू पाई बाई फोर, ओरिजिनल डायमीटर कितना है 15 mm, पाई बाई फोर इंटू 15 का स्क्वायर, तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बच्चों 15² × 3.14/4, ये आ गया आपका 176.625 mm². अभी हमें ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया की आवश्यकता है, वो मैंने यहां पर फाइंड आउट कर लिया। ठीक, अब सीधे सीधे देखिए निकालते हैं यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, यील्ड पॉइंट पर जितना लोड लगा है अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यील्ड पॉइंट पर जो लोड लगा है कितना है बच्चों, वह है 40 × 10³, कितना है 40 × 10³, और ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है आपका 176/625, यही तो है, यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो 140 × 10³ / 176/0.625, ये आ गया आपका 226.47 न्यूटन पर mm²
ये आपका यील्ड पॉइंट पर स्ट्रेंथ निकल कर आ गई। अब आपको निकालनी है ब्रेकिंग सॉरी टेंसाइल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट मतलब मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो देखिए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ये क्या होगी भाई, अल्टीमेट पॉइंट पर जितना लोड लगा है अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अल्टीमेट पॉइंट पर कितना लोड लगा है, अल्टीमेट पॉइंट पर लोड लगा है देखो बच्चों आपका 70 किलो न्यूटन, यानी 70 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 176.625। ठीक है नहीं, इसे कैलकुलेट करते हैं, इसे कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी बच्चों आपकी 396.32 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 396.32 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। थर्ड आपको निकालना है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों, ब्रेकिंग पर जितना लोड लगाया है अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां से देखिए आएगा ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ब्रेकिंग पॉइंट पर जो लोड लगा है कितना है, देखिए डाटा में देखिए ब्रेकिंग पर यानी फ्रैक्चर पॉइंट पर जो लोड लगा है वो है 45 इंटू 10 टू द पावर 3, एरिया आपका सेम रहेगा 176.625। ठीक है नहीं, यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए ये आ जाएगा 45 इंटू 10 टू द पावर 3 ओवर 176.625, ये आ गया आपका 254.78 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब देखिए ए पोर्शन आपका पूरा हो गया, जो ए आपको से पूछा गया था ये आपका कंप्लीट हो गया, तीन बातें आपसे पूछी गई थी तीनों ही आपने फाइंड आउट कर ली। ठीक, अब आपको बी पर चलना है, बी में क्या पूछा है देखिए, परसेंटेज इलोंगेशन एंड परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया आफ्टर फ्रैक्चर, यानी कितने परसेंट आपकी लेंथ बढ़ी और एरिया में कितने परसेंट रिडक्शन हुआ। इन दोनों के फॉर्मूले में आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, देखिए परसेंटेज इलोंगेशन, परसेंटेज इलोंगेशन कितना होगा आपका, वो होगा एल डैश माइनस एल ओवर एल इंटू 100, यही तो होगा भाई, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन फाइनल लेंथ इंटू 100। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो है एल डैश की वैल्यू कितनी है, L डैश है आपका देखिए 75 और L है आपका 60। ठीक है नहीं, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, 75 माइनस 60 ओवर 60 इंटू 100 और यहां से आ जाएगा आपका 25%, क्या आ जाएगा 25%। सेकंड इसमें पूछा है परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, अब एरिया में रिडक्शन कैसे निकलेगा देखिए, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, अब देखिए ये कैसे निकलेगा बच्चों, इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका a माइनस ए डैश अपॉन ए इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है नहीं, अब आप देखिए a माइनस ए डैश क्या है, a है आपका ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, a डैश क्या है फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया एट फ्रैक्चर पॉइंट अपॉन a इंटू 100, a आपका ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया तो आप निकाल चुके हैं 176.625। अब आपको फाइनल एरिया निकालना है कि फाइनल एरिया कितना आएगा, फाइनल एरिया कितना आएगा बच्चों, आप देखिए जब आपका फ्रैक्चर हुआ था तब आपका डायमीटर कितना था, तब आपका डायमीटर था 10 mm, तो 10 mm से एरिया निकालेंगे वो कहलाएगा आपका एरिया एट फ्रैक्चर पॉइंट, एरिया एट फ्रैक्चर पॉइंट यानी ए डैश, ए डैश की वैल्यू आएगी आपकी पाई बाई 4 इंटू 10 स्क्वायर और पाई बाई 4 टेन स्क्वायर देखिए क्या आएगा आपका 100 इंटू 3.14 ओवर 4, यह आ जाएगा आपका 78.5 mm स्क्वायर, ये आ गया क्लियर है बच्चों। अब ये सारी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे ए और ए डैश की, पुट करने के बाद देखिए क्या आएगा, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 176.625 माइनस 78.5 अपॉन 176.625 इंटू 100 और यहां से जो कैलकुलेट होके आएगा आपका बच्चों, कैलकुलेट करके देखिए क्या आएगा आपका 176.625 माइनस 78.5 डिवाइड बाई 176.625, यह आ जाएगा आपका 55.56%, 55.56
5-6%, ये आपका यहां पर परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया निकल कर आ गया। दो पोर्शन आपके कंप्लीट हो गए। अब थर्ड पोर्शन में देखिए क्या पूछा है, आपका जो थर्ड पोर्शन है यानी सी पोर्शन, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें बच्चों पूछा है नॉमिनल एंड ट्रू स्ट्रेस एट फ्रैक्चर, फ्रैक्चर पॉइंट पर नॉमिनल और ट्रू स्ट्रेस कितनी होगी। अब देखिए नॉमिनल और ट्रू स्ट्रेस क्या होती है, नॉमिनल स्ट्रेस में हम क्या करते हैं, नॉमिनल स्ट्रेस में हम लोड को ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करते हैं, और ट्रू स्ट्रेस में क्या करते हैं, ट्रू स्ट्रेस में हम किससे, एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करते हैं। ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो देखिए यहां पर आएगा, देखिए नॉमिनल स्ट्रेस, नॉमिनल स्ट्रेस, नॉमिनल स्ट्रेस कितनी आएगी आपके फ्रैक्चर पॉइंट पर पूछी है, तो फ्रैक्चर पॉइंट पर लोड कितना लगा था, फ्रैक्चर पॉइंट पर लोड आपका लगा हुआ था 45 × 10³, और आपका जो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया था, ओरिजिनल का मतलब जो स्टार्टिंग में था, वो कितना था, 176.625। तो यहां से आपका जो नॉमिनल स्ट्रेस निकल कर आएगी बच्चों, वो यही आएगी जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ निकल कर आई थी, क्योंकि बिल्कुल डिजिट सेम है, ये आएगी 254.78 न्यूटन पर mm². यह है। अब बात करते हैं ट्रू स्ट्रेस की। देखिए बच्चों ट्रू स्ट्रेस क्या होगी आपके, आपके जो ट्रू स्ट्रेस होगी वो होगी बच्चों क्या, लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट अपॉन एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट अपॉन एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ट्रू स्ट्रेस में यही होता है, मैंने आपको ट्रू स्ट्रेस का डायग्राम भी बनवाया था। तो आपको जो लोड लगा है ब्रेकिंग पॉइंट पर वो कितना लगा है, वो उतना ही है 45 × 10³, और जो एरिया है एरिया कितना होगा, देखिए जो फ्रैक्चर पर डायमीटर होगा उससे जो एरिया निकलेगा, और फ्रैक्चर पर डायमीटर कितना है 10 mm, और 10 mm से एरिया कितना आ रहा है 78.5 mm। अब यहां से जब डिवाइड करेंगे हम तो देखिए क्या आएगा, 45 × 10³ अपॉन 78.5, ये आ जाएगा 573.25 न्यूटन पर mm². ये आ गया बच्चों यहां पर आपकी ट्रू स्ट्रेस। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आने की संभावनाएं ज्यादा है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल को आप अच्छे से करें, करना कुछ नहीं है, जो डाटा दिया गया है उसी से ही आपको सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखिए फोर्थ न्यूमेरिकल, फोर्थ न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, देखिए आपका ड्यूरिंग द कंप्रेशन टेस्ट, यानी कंप्रेशन टेस्ट का मतलब जो लोड लगा है वो कंप्रेसिव होगा, इतनी बात तो क्लियर हो गई ठीक। ए मेटेलिक बार 50 mm × 50 mm इन क्रॉस सेक्शन वाज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ 500 kN, यानी आपको जो लोड लगा है वो कितना है 500 kN का। तो सबसे पहले देखिए यहां पर लिख लेते हैं बच्चों, P = दो पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे भी देखिए यहां पर आपका आ जाएगा P = 500 kN, यानी 500 × 10³ N ठीक है, लोड आ गया। अब इसने कहा क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी जो आपका मेटेलिक जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना है 50 mm × 50 mm का है, तो यहां से एरिया की वैल्यू आ जाएगी, एरिया कितना आएगा आपका, आपका एरिया आएगा बच्चों 50 mm × 50 mm = 2500 mm². ये दो आपके यहां पर वैल्यू निकल कर आ गई। अब क्या पूछा है, देखिए क्या दिया है, इसने कहा मेजरमेंट सो डेट दियर वाज 0.05 mm इंक्रीज इन थिकनेस एंड 0.5 mm कंट्रैक्शन इन लेंथ ओवर ए गेज लेंथ ऑफ 200 mm। अगर आपकी जो लेंथ है वो 200 mm हो, कितनी हो लेंथ, लेंथ है आपकी 200 mm। देखिए मैं एक बार बना लेता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से, एक बार बना लेते हैं यहां पर, ये आपकी मेटेलिक बार हो गई जिसकी लेंथ दी गई है 200 mm, कितने दी गई है 200 mm दी गई ठीक है, और इसके अंदर जो आपका जो एरिया है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला, ये कितने का है, ये है आपका 50 mm
और ये भी कितने का है, ये भी है आपका 50 mm का, ठीक है। और इस पर जो लोड लगा है बच्चों, लोड कितना लगा है, लोड लगा है 500 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव लोड। तो कंप्रेसिव लोड देखिए अप्लाई करते हैं, ये आ गया आपका 500 किलो न्यूटन, और इधर से भी लगेगा आपका लोड 500 किलो न्यूटन। ये इस तरह से लोड अप्लाई कर दिया हमने इस पर, ठीक है नहीं। अब इसने क्या कहा देखिए कि जो गेज लेंथ 200 mm है, जो L है आपका 200 mm, इसके अंदर कंट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि कंप्रेसिव लोड लगा है तो लेंथ घटेगी, सीधी सी बात है। इसके अंदर जो कंट्रैक्शन हो रहा है, डेल L की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है बच्चों आपकी 0.5 mm, डेल L इज इक्वल टू 0.5 mm, ठीक है। और दियर वाज 0.04 mm इंक्रीज इन थिकनेस, भाई जो लेंथ के अंदर चेंज होगा वो तो कहलाएगी लीनियर स्ट्रेन, जो स्ट्रेन निकलेगी लेंथ में, लेकिन फोर्स तो लगा है लेंथ की डायरेक्शन में, लेंथ घट रही है, लेकिन आप देख रहे हैं क्या वो जो थिकनेस है 50 mm की वो इंक्रीज हो रही है, तो उसके अंदर कौन सी स्ट्रेन होगी, लेटरल स्ट्रेन होगी। तो यहां से जो थिकनेस है आपकी, ये थिकनेस टी की वैल्यू है, टी है आपका 50 mm, और इसमें जो डेल्टी निकल कर आ रहा है, जो उसकी थिकनेस चेंज हो रही है, वो हो रही है 0.04 mm। सीधी सी बात है, जब लेंथ कंप्रेसिव लोड लगेगा तो लेंथ घटेगी, बाकी के दोनों डिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है नहीं, ये तो क्लियर है। अब इसने कहा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी म्यू और कैपिटल ए की वैल्यू निकालनी है। अब आप बच्चों जानते हैं म्यू क्या होता है, म्यू होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, ये तो होता है। तो अगर मैं लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन दोनों निकाल लूं तो पॉइजन रेशियो निकल जाएगा आराम से, ठीक है नहीं। अब पॉइजन रेशियो निकालने के लिए लेटरल स्ट्रेन किसमें होगी, थिकनेस में, क्योंकि थिकनेस की डायरेक्शन में तो लोड लगा हुआ नहीं है, और जो लेंथ में स्ट्रेन होगी वो क्या होगी, लीनियर स्ट्रेन। तो सबसे पहले बच्चों निकालते हैं लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन होगी बच्चों आपकी डेल एल ओवर एल, और डेल एल आपको दिया गया है 0.5 और एल दिया गया आपको 200। तो यहां से देखिए बच्चों क्या आएगा आपका, यहां से आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 0.5 डिवाइड बाई 200, ये आ जाएगी आपकी 0.0025, ये आपकी लीनियर स्ट्रेन निकल कर आ गई। अब आपको लेटरल स्ट्रेन निकालनी है, देखिए लेटरल स्ट्रेन क्या होगी आपकी भाई, लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, लेटरल स्ट्रेन आपकी डेल टी ओवर टी, और डेल टी की वैल्यू है 0.04 और टी की वैल्यू है 50, भाई इसे मान लो टी इसे मान लो, बात दोनों 50 है, तो ये आ जाएगा 0.04 डिवाइड बाई 50, ये आ जाएगी आपकी 0.0008। अब दोनों स्ट्रेन आ गई बच्चों आपके पास, लीनियर भी है लेटरल भी, ठीक है नहीं। अब सीधा फॉर्मूला लगा दो पॉइजन रेशियो का, तो पॉइजन रेशियो होगा आपका म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, ठीक है ना। और लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है 0.0008, और लीनियर स्ट्रेन की है 0.0025। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 0.0008 डिवाइड बाई 0.0025, ये आ गया आपका 0.32, ये निकल कर आ गया, ठीक है। एक चीज निकल गई, एक लिमिट निकल गया। अब बात करते हैं इलास्टिक कॉन्स्टेंट ई की। अब बच्चों आप जानते हैं इलास्टिक कॉन्स्टेंट ही क्या होता है, सिग्मा ओवर ई, यही तो होता है भाई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब सिग्मा निकालना पड़ेगा, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, पी ओवर ए इंटू ई, ठीक है नहीं। अब आपको पी पता है, ए पता है, ई पता है, सब पता है आपको। देखिए पी कितना है, पी है आपका बच्चों 500 × 10³, एरिया कितना है, एरिया आपने ऊपर निकाला है 2500, और E क्या है, E कौन सी, यहाँ तो लीनियर स्ट्रेन ली जाएगी, लेटरल को तो मतलब ही नहीं है क्योंकि ये तो होता है लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। तो लीनियर स्ट्रेन आपने भी निकाली थी, कितनी थी 0.0025, यही तो E है, ठीक है नहीं। तो इसकी वैल्यू रख देंगे 0.0025, और यहां से बच्चों E की वैल्यू निकल कर आएगी, देखिए 500 डिवाइड बाई 2500 इंटू 0.0025, ये वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 0.8 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है,
लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना है, अप्लाई करना है, जो फॉर्मूले दिए गए हैं सब वही फॉर्मूले लग रहे हैं, और आंसर को फाइंड आउट करना। ठीक, अब इसके बाद बच्चों चलते हैं सीधा न्यूमेरिकल नंबर 5। समझते रहे ध्यान से, देखे एक न्यूमेरिकल इसके बाद और है, स्ट्रेच स्ट्रेन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल बुक में होंगे सब कर लेंगे बच्चों, आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आप। ठीक है, नहीं एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आएगा तो गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है नहीं बच्चों, और बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा आप, व्यूज नहीं आ रहे हैं वीडियो पर, हम तो मेहनत कर रहे हैं बहुत पढ़ाने में, लेकिन उस हिसाब से व्यूज नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आते तो हमारा भी मोरल डाउन हो जाता है बच्चों। ठीक है नहीं, तो इसके लिए बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, जितने भी आपके क्लासमेट हैं जो बीटेक कर रहे हैं, जो मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, उन सब से आप शेयर करें। आपको पता है हमारे चैनल पर लगभग 12-13 सब्जेक्टों की वीडियो आपको मिल रही है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, व्यूज अच्छे आएंगे, चैनल हमारा अच्छा चलेगा, तो हमारा भी जो कॉन्फिडेंस है वो हाई रहेगा, हम भी आपको बड़े अच्छे से पढ़ा पाएंगे। आगे भी आने वाले समय में भी बीटेक 4 साल की होगी, आने वाले सब्जेक्टों में बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं बच्चों देखिए सीधा नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, ए स्टील बार 2 मीटर लॉन्ग एंड 20 mm × 10 mm इज क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल लोड ऑफ 20 kN। आपकी एक स्टील बार दी गई है, इस स्टील बार का देखिए यहां पर क्या दिया गया है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, एक स्टील की बार है। सबसे पहले देखिए डायग्राम बना लेंगे तो डायग्राम से समझ में आ जाता है आराम से कि भी क्या दिया गया है। ये स्टील बार दी गई है आपको, अब इस स्टील बार में क्या क्या चीजें दी गई हैं, यहां पर देखिए क्या क्या दिया गया है आपको, यहां पर आपको दिया गया है 20 mm × 10 mm का तो दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी ये हो गई आपकी बच्चों 20 mm, ये हो गई बच्चों आपकी 10 mm, और लेंथ कितनी है, लेंथ है 2 मीटर, 2 मीटर का मतलब कितना हो जाएगा 2000 mm, सीधे सब mm में ले लो। और जो लोड लगा है, लोड कितना लगा है, लोड लगा है आपका 20 kN का, तो 20 kN का लोड लगा दो, कैसा लोड है टेंसाइल, तो 20 kN का जो लोड है ये बाहर की तरफ इस तरह से लगेगा, ये हो गया बच्चों आपका 20 kN लोड। इसने कहा अलोंग इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट ही लोड लगाया, मेक कैलकुलेशन फॉर द चेंज इन लेंथ विड्थ एंड थिकनेस, यानी डेल एल डेल टी और डेल बी तीनों निकालना है, इसमें कितना चेंज हुआ 20 mm में, कितना 10 mm में, कितना, तीनों में चेंज निकालना है, और दिया गया है वेदर इट इज इंक्रीज और डिक्रीज, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, सीधी सी बात है, देखिए जब लेंथ के अकॉर्डिंग फोर्स लगा है तो लेंथ आपकी इंक्रीज होगी, बाकी के दोनों डायमेंशन डिक्रीज होगी, ये तो क्लियर है। और उसने क्या कहा, टेक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई की वैल्यू जो दी है बच्चों, ई की वैल्यू देखिए कितनी दी है, ई की वैल्यू आपकी दी गई है बच्चों 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और पॉइजन रेशियो म्यू की वैल्यू दी गई है 0.3। देखिए पॉइजन रेशियो इसमें इसलिए दिया गया है क्योंकि जो आपके विड्थ और आपकी थिकनेस, इनमें जो स्ट्रेन है वो लेटरल स्ट्रेन के फॉर्मूले से ही निकलेगी, म्यू इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, उससे तो निकलेगी, डायरेक्ट तो मैं निकाल नहीं सकता, इसलिए म्यू भी दिया गया है। तो आपको तीनों डायरेक्शन में चेंज निकालना है। अब चेंज के लिए बच्चों देखिए क्या करेंगे, चेंज के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या है, आपने ई की वैल्यू रख ली, म्यू की रख ली, एरिया कितना आ जाएगा आपका, एरिया आ जाएगा 10 mm × 20 mm, यानी कितना आ गया, ये आ गया आपका 200 mm² या आपका एरिया आ गया। ठीक है नहीं, अब एरिया के बाद आपको क्या दिया गया है, एरिया के बाद आपको जो लेंथ है, लेंथ है आपकी 2000 mm, ठीक है नहीं, जो विड्थ है भी वो 20 mm है, और जो टी है आपका वो 10 mm, ये आपको दिया गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब आपको करना क्या है, अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है डेल एल, क्या निकालना है, डेल एल निकालना है, और डेल एल के लिए क्या करेंगे, डेल एल के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप, फॉर्मूला किसका लगाएंगे बच्चों, आप फॉर्मूला लगाएंगे स्ट्रेन का। देखिए स्ट्रेन क्या होती है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रेन वैसे आप जानते हैं कैसे निकालें, देखिए स्ट्रेन निकालनी है, स्ट्रेन के लिए एक फॉर्मूला होता है डेल एल ओवर एल। ठीक, अब डेल एल आपको नहीं पता, डेल एल तो निकालनी है, स्ट्रेन आप नहीं जानते, लेकिन
आप जानते हैं कि ई की वैल्यू होती है सिग्मा ओवर कैपिटल, सिग्मा ओवर कैपिटल ई होती है। नहीं आप सिग्मा तो निकाल सकते हैं भाई, आपके पास फोर्स भी है एरिया भी है, एरिया आपने निकाल लिया, कैपिटल ई आपको दिया गया है, तो यहाँ से जो लीनियर स्ट्रेन है ये तो निकल जाएगी, लीनियर स्ट्रेन निकल जाएगी तो डैनल भी निकल जाएगा, ठीक है। नहीं भाई जो डाटा दिया है उसी से फाइंड आउट होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ से बच्चों देखिए सिग्मा की वैल्यू रखेंगे पी अपोन ए इंटू ई। अब पी की वैल्यू है बच्चों कितनी, 20 × 10³, एरिया है आपका 200 और ई है आपका 2 × 10⁵। तो यहां से देखिए ई की वैल्यू क्या आएगी, आप ई की वैल्यू क्या आएगी देखिए आपकी 20 × 10³ डिवाइड बाई 0.5 × 10⁻³, 0.5 × 10⁻³ आ गई आपकी, क्लियर है। तो यहां पर आपके क्या आ गए बच्चों, लीनियर स्ट्रेन निकल कर आ गए। कैलकुलेट कर लेते हैं देखिए एक बार, 400 ठीक है ये आ गई आपकी। अब इसके बाद डेलल ई निकालने के बाद आपको पता है लीनियर स्ट्रेन किसके इक्वल होती है, डेलल ओवर एल के, तो डेलल ओवर एल के इक्वल रख देते हैं देखिए। तो डेल एल ओवर एल इज इक्वल टू 0.5 × 10⁻³ और यहां से डेल एल कितना आ जाएगा आपका 0.5 × 10⁻³ × L। एल कितना है आपका, एल है आपका, इसे देखिए स्मॉल एल मान लेते हैं, एल है आपका 2000 mm, तो एल की वैल्यू पुट कर देते हैं तो डेल एल आपका आ जाएगा 0.5 × 10⁻³ × 2000। तो डेल एल देखिए कितना है आपका, आपका डेल एल कितना आता है 0.5 × 2, ये आ गया आपका 1 mm, कितना आ गया 1 mm आ गया। और आपको पता है ये डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, भाई टेंसाइल लोड लगा है लेंथ की डायरेक्शन में तो सीधी सी बात है इंक्रीज होगा, टेंसाइल लोड भी तो इंक्रीज होता है, बाकी की दोनों डायमेंशन डिक्रीज होगी। अब ये निकालने के बाद क्या करना है, अब ये निकालने के बाद आपको डेल बी और डेल टी निकालना है। डेल बी और डेल टी जब निकलेगा, जब आपको लेटरल स्ट्रेन पता होगी, और लेटरल स्ट्रेन कैसे निकलेगी, लेटरल स्ट्रेन निकलेगी बच्चों म्यू के फॉर्मूले से, म्यू होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, ठीक है ना, यानी लेटर हो जाएगा एल ओवर ई। अब म्यू की वैल्यू दी गई है 0.3, एल आपको फाइंड आउट करना है, और ई जो है ई आपका यहां पर दिया गया है देखिए, आपने फाइंड आउट किया था 0.5 × 10⁻³। तो ई एल देखिए कितना आता है आपका, आपका ई एल आता है 0.3 × 0.5 × 10⁻³, ये आपका आ गया 1.5 यानी 0.015 × 10⁻³, ये आपकी लेटरल स्ट्रेन आ गई। अब इस लेटरल स्ट्रेन को आप किसके इक्वल रखेंगे, डेल बी ओवर बी के, डेल टी ओवर टी के, क्योंकि दोनों में लेटरल स्ट्रेन है, वहां से आपकी डेल बी और डेल टी निकल जाएगी। तो देखिए डेल बी ओवर बी इज इक्वल टू ई एल, तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से आपका आएगा देखिए डेल बी कितना है, डेल बी आपको फाइंड आउट करना है, बी की वैल्यू कितनी है 20 इज इक्वल टू 0.15 × 10⁻³, और डेल बी इज इक्वल टू 20 × 0.15 × 10⁻³। तो डेल बी कितना आ जाएगा बच्चों देखिए, डेल बी की वैल्यू जो निकल कर आएगी 20 × 0.15 डिवाइड बाई 1000, ये आ जाएगी आपकी 3 × 10⁻³, और यूनिट आएगी इसकी mm, और ये क्या होगी बच्चों, ये होगी आपकी डिक्रीज, क्या होगी डिक्रीज होगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। अब इसके बाद आपको निकालना है टी, डेल टी, डेल टी ओवर टी भी लेटरल स्ट्रेन के बराबर होगी, यानी ई एल इज इक्वल टू आ जाएगा डेल टी ओवर टी, और ई एल की वैल्यू कितनी है, ई एल की वैल्यू है बच्चों 0.15 × 10⁻³, डेल टी आपको फाइंड आउट करना है, और टी है आपका 10, ठीक है नहीं। तो यहां से डेल टी निकाल लेते हैं, डेल टी आपका आएगा 10 × 0.15 × 10⁻³, और ये आ जाएगा 1.5
इंटू 10^-3 ये भी डिक्रीज होगी, क्योंकि जब एक डायमेंशन जिस लेंथ में फोर्स लगा है वो इंक्रीज हो रही है तो लेटरल आपकी डिक्रीज होगी। अगर लीनियर आपकी डिक्रीज होती तो लेटरल इंक्रीज हो जाती, सीधी सी बात है। तो यहां लिख देंगे ब्रैकेट में डिक्रीज, ठीक है ना। ये आपका यहां पर आंसर आ गया, एक आंसर आपका ये आ गया। देखिए यहां पर मैं आपको शो कर देता हूं आंसर जो है, एक आंसर आपका ये आ गया यहां पर, ठीक है। एक आंसर आपका ये यहां पर आ गया डेल बी, एक आंसर आपका ये डेल एल यहां पर आ गया। ये तीनों आंसर आपके यहां पर निकल के आ गए। अब चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल पर। देखिए लास्ट न्यूमेरिकल बहुत इजी है, कुछ नहीं है, ये भी हल्का है। इसने कहा ए मटेरियल हैज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू दी है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसे कहते हैं, जी को कहते हैं। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू दी है जी इज इक्वल टू 0.4 × 10^5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बल्क मॉडुलस दिया गया है 0.8 × 10^5, यानी जो k की वैल्यू है, k आपका दिया गया है 0.8 × 10^5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और क्या पूछा, फाइंड यंग मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो, दोनों पूछे हैं। यंग मॉडुलस यानी क्या पूछा गया है, e, एक तो e बताना है, एक म्यू बताना है। अब यहां पर कौन से फॉर्मूले लगेंगे, यहां बात हो रही है ई जी के और म्यू की, ना स्ट्रेस की बात हो रही ना स्ट्रेन की। तो मैंने आपको बच्चों एक एक जो लेक्चर में कराया था ई जी के में रिलेशन कराया था नहीं, तो पहले रिलेशन लगाऊंगा मैं ई जी और के में, तो ई जी के में रिलेशन लगा के ई निकल जाए। फॉर्मूला क्या था बच्चों, फॉर्मूला था ई इज इक्वल टू क्या था 9kg/3k+g, यही तो था। तो यहां पर e की वैल्यू जाएगी, देखिए 9 × 0.8 × 10^5 0.4 × 10^5 3 × 0.8 × 10^5 + 0.4 × 10^5। तो यहां से देखिए e की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, e की वैल्यू क्या आएगी, देखिए आपकी e की वैल्यू आएगी बच्चों, देखिए 9 × 0.8 × 10^5 / 3 × 0.8 + 0.4, ये वैल्यू आपकी आ रही है बच्चों 1.0286 × 10^5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका बच्चों यहां पर e निकल के आ गया। अब आपको निकालना है म्यू, अब आपके पास e भी है, g भी है, k भी है, म्यू निकालना है। अब आप e, k और म्यू में भी रिलेशन जानते हैं, e, g और म्यू में भी रिलेशन जानते हैं, कोई सा भी रिलेशन लगा दो तो उनसे म्यू निकल जाएगा। या तो लगा दो आप क्या e इज इक्वल टू 3k × 1 − 2 μ, या लगा दो e इज इक्वल टू 2g × 1 + μ, दोनों में से कोई सा भी अप्लाई कर दीजिए, आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, म्यू की वैल्यू हो जाएगी। तो लास्ट वाला लगा लेते हैं, तो ई की वैल्यू कितनी है, देखिए आपने फाइंड आउट की अभी 1.0, भाई हमने लगाया ई इज इक्वल टू 2g × 1 + μ, ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, 1.0286 × 10^5 इज इक्वल टू 2 × g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू है 0.4 × 10^5 × 1 + μ, ठीक है ना। तो यहां से 1 + μ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + μ की वैल्यू बच्चों आ जाएगी यहां पर 1.0286 × 10^5 / 2 × 0.4 × 10^5। तो 1 + μ की वैल्यू देखिए क्या आएगी, यहां आपकी 1 + μ की वैल्यू आएगी बच्चों 1.0286 / 0.8, यह आ जाएगा 1.2857, यह आपकी 1 + μ की वैल्यू आ गई। आपको म्यू की वैल्यू निकालनी है तो म्यू क्या आ जाएगा 1.2857 - 1, और म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.2857। ये बच्चों बात ध्यान रखिएगा, म्यू की वैल्यू हमेशा एक से कमी आएगी, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है नहीं, कभी भी एक से ज्यादा नहीं आएगी। तो पॉइजन रेशियो भी आपका निकल गया, इलास्टिक कॉन्स्टेंट भी आपने फाइंड आउट कर लिया, ये दोनों ही चीजें फाइंड आउट करनी थी बच्चों।
ठीक है नहीं। तो इस तरह से आपके इलास्टिक कॉन्स्टेंट, पॉइजन रेशियो, स्ट्रेस स्ट्रेन, यंग मॉड्यूलस, आपका बल्क मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, लेटरल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन। कोशिश की है मैंने कि सभी तरह के न्यूमेरिकल कवर हो जाए। एग्जाम में इसी तरह का न्यूमेरिकल आएगा, ऐसे जितने भी न्यूमेरिकल आपको बुक में मिले आप उन्हें कर लीजिएगा। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।